लोकतांत्रिक जनता पार्टी सेकुलर के बिहार सचिव मोहम्मद मिठू शाह लगातार महिलाओं के हित में कार्य कर रहे हैं और सिलाई सेंटरों का उद्घाटन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसी क्रम में मोहम्मद मिठू शाह ने सीवान के कदम मोड़ और निराला नगर में एक साथ दो सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मोहम्मद मिठू शाह ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे भी इस तरह का कार्य करते रहेंगे और बहुत जल्द ब्यूटी पार्लर कंप्यूटर कोचिंग भी खोलेंगे, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बन पाएगा। सुनिए और क्या कुछ कहा मिठू शाह ने। यह हमारा 17वां सिलाई मशीन का उद्घाटन हुआ है सिलाई सेंटर का, और हम लोग लमसम इससे लेकर के हम लोग बहुत सारा सिलाई सेंटर अभी खोलेंगे और पूरा बिहार में हम लोग खोलने का काम करेंगे और महिलाओं के अपने आप पे हम लोग निर्भर करने का काम करेंगे। और इसमें हम लोग ब्यूटी पार्लर भी ओपनिंग करने जा रहे हैं रामराज मोड़ पे, जो भी व्यक्तिगत सीखना चाहता है उसमें आकर सीख सकता है। सबसे पहले अपने भाई मिठू शाह लोकतांत्रिक जनता पार्टी सेकुलर के बिहार महासचिव को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जो एक कदम उठाया है महिलाओं के लिए, जो बिहार की बहुत बड़ी समस्या थी रोज़गार, उस रोज़गार को इन्होंने पूरा करने के लिए एक अपने स्तर से इन्होंने सिलाई सेंटर और सिलाई मशीन दिया और इसमें इन्होंने इनका इतना बड़ा योगदान है कि हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए मैं मिठू शाह लोजपा सेकुलर प्रदेश बिहार को मैं उनका काफ़ी ज़्यादा बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन इस यहां के जनताओं के बीच उनका अभिनंदन भी मैं करता हूं। क्या लग रहा है सिलाई मशीन केंद्र के साथ साथ कंप्यूटर संस्था का भी जरूरत है इस तरह का, जिससे बच्चे आसानी से कंप्यूटर सीख सकें? जी, मैंने इनसे अभी जो मैंने बात की थी इससे और हमारे बीच इनकी बात जो हुई, तो मैंने पूछा कि सर इसका अगला कदम आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को शक्ति सशक्तिकरण के साथ साथ इनको रोज़गार के साथ साथ मैं नौजवानों के लिए इनका एक कदम है कि कंप्यूटर क्लास कंप्यूटर के लिए और शिक्षा में इनका सबसे ज़्यादा जो रुचि है मैंने देखी है कि शिक्षा के माध्यम से इनको रोज़गार देने की ये बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए, बल्कि ये सिवान ज़िला ही नहीं बल्कि इन्होंने पूरे बिहार के लिए कहा है कि मैं एक सख्त कदम उठाऊंगा रोज़गार के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कहेंगे बहुत खुश हैं आज हम। वर्षों से तमन्ना था हमको बेरोजगार लोग को रोज़गार देना, जैसे हमें खुद जैसे अपने पैर पे खुद से हमें अपने पैरों पे किसी के सहारे नहीं रहते, उस तरह सारी लड़कियाँ रहें। अगर मैं आप लोग को कुछ उद्देश्य देना चाहती हूँ, यहाँ जो बेरोजगारी था आज यहाँ पे एक रोज़गार मिला है, जो अनपढ़ है जो पढ़े लिखे हुए हैं सबको यहाँ पे अपने से कुछ करने का मौका मिला है। उससे भाई और बहनों को उद्देश्य देना चाहती हूँ कि वो इस लक को अपना ठोकराए ना और अपने आप को अपने से आगे बढ़ने का, अपने परिवार से आगे बढ़ने का हिम्मत अपने से जुटाए और जो दूर जाना पड़ता था कहीं आसपास, तो यहीं पे आसपास में निराला नगर में उनका सिलाई सेंटर चल रहा है, तो हम सबसे ये अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ के सीखे, अपना एम्बिशन खुद अपने से बनाए। ठीक।